सभी सुंदर साथ प्रेम से जयकारे में सहयोग दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथ समागम में उपस्थित परम आदरणीय परम वंदनीय एवं परम पूज्य सुप्रसाद जी, तुमको इश्क उपजावने करो सुअब उपाय। हम ब्रह्म आत्माएं इस खेल में आकर आज दिन तक खेल के 400 साल हो जाने के बावजूद भी थोड़े से संशय में है, क्योंकि सारा संसार हमें होश में लाने की कोशिश करता है और सत्य बताता है इस संसार को, और वाणी इससे बिल्कुल विपरीत बात करती है और इसे स्वप्न बताती है। अब हम एक रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसे सच माने के सपना माने। हम सब ये जानते हैं कि महामती ने जो कह दिया वाणी में परम सत्य वही है। बेशक इलम हमें दे दिया धनी ने, तो उसमें तो संशय लाया नहीं जा सकता, लेकिन इस दुविधा में हम हमेशा रहते हैं कि ये सच्चा के धनी की बात सच्ची। राजा जनक जो विदेही हुए, एक बार उन्होंने एक सपना देखा और सपने के अंदर उन्होंने अपने आप को भिखारी देखा। जब सपना टूटा तो सुबह उठ के परेशान हुए कि ये सच्चा कि मैं राजा हूं कि वो सच्चा कि मैं रंक हूं। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। जनक की सभा तो विद्वानों के लिए वैसे ही हमेशा से प्रचलित रही है। जनक के दरबार में अक्सर बड़े बड़े शास्त्रार्थ और ये ज्ञान गोष्ठी हुआ करती थी, परंतु उनके संशय का कोई निवारण नहीं कर पाया। फिर उनके संशय का निवारण करने उनके भविष्य के गुरु अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र 8 अंगों से कोड़ी थे। जब वो अपनी टेढ़ी सीधी चाल से आए तो सारा दरबार हंसने लगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि हे जनक, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान होते हैं, यहां तो सब चूड़े चमार इकट्ठे किए हुए हैं। तुमने क्षत्रियो के का खून खोल गया, तलवारें बाहर निकल आई कि हमें चमार कैसे कह दिया। अष्टावक्र जी कहते हैं, मैं इसे सिद्ध करके बताता हूं। सोने की परख करने वाले को सुनार कहते हैं, लोहे की परख रखने वाले को लोहार कहते हैं, और चमड़े की परख रखने वाले को चमार कहते हैं। आपने मेरे अंदर का ज्ञान तो देखा नहीं, मेरी चमड़ी को देखकर आपने मुझे परख लिया, इसीलिए मैंने आपको चमार कहा। अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि हे जनक, ना वो सच्चा ना ये सच्चा, ना ही तू राजा है
और ना ही तू रंग है, तू शुद्ध बुद्ध चेतना है। सुंदर साहब जी, इस अस्तित्व को प्राप्त करने में हमें समय लग रहा है कि हम हैं कौन। मैं और मेरे में एक दुविधा बनी हुई है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है, लेकिन मेरा है, मैं नहीं हूं। घर मेरा है, परिवार मेरा है, इसी तरह ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। हम जब इस मूल को पकड़ेंगे तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम वो हैं जो इस शरीर से पहले भी थे और हम वो हैं जो इस शरीर के बाद भी होंगे। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए, और जिसके लिए ही ध्यान और चितवनी का रास्ता बताया जाता है। हिंदुओं में तो ऋषि मुनियों की, साधु संतों की प्रथा हमेशा से ही चली आई है। गौतम बुद्ध जैसे महान सिद्ध के कहते साधक भी हमारे हिंदू धर्म में से ही निकले। उसके अलावा जो सिख धर्म है उसमें जो 10वें बादशाह हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी अपना स्थान बताया कि इस जन्म से पहले मैं कहां पर बैठा ध्यान करता था, और जब बाद में जाकर देखा गया तो वहां उनका कमंडल, उनका आसन वगैरह आज भी वहां पर उस वक्त था मौजूद, जिसकी जगह पर अब तो बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना दिया गया, पूरा बर्फ से ढका रहता वो ज्यादातर। और इसी तरह से मोहम्मद साहब भी मक्का में रहते हुए एक ऊंची पहाड़ी पे जाके, गुफा है जिसे गारे हीरा कहते हैं, वो वहां जाके ध्यान किया करते थे, और वहीं पे उन्हें पहली बार राजी महाराज की आवाज आई थी और जबराइल से पैगाम मिला था। और इसी प्रकार से ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले ईसा मसीह भी खुद उस वहां पर, तो जहां वो रहते थे जेरूशलम में, वहां तो आसपास वन नहीं हुआ करते थे हिंदुस्तान की तरह, तो वो रेगिस्तानों में गए थे ध्यान साधना के। जब ईसा मसीह ध्यान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए रेगिस्तानों में गए, तो वहां पर भी परीक्षा तो हर जगह है, तो वहां पर भी माया ने आके कहा कि हे ईसा मसीह, तू इतने दिन से यहां भूखा बैठा है, भूख के मारे तेरा पेट सूख गया है और शरीर में ताकत नहीं रही, अगर तेरा परमात्मा है और तुझे प्यार करता है जिसके लिए तू यहां भटक रहा है, तो उसको बोलना कि इस पत्थर को रोटी बना दे और तेरा पेट भर जाए। अगर वो है और तेरे से प्यार करता है तो इस पत्थर को रोटी बनाने में उसे क्या देर लगेगी। तो ईसा मसीह कहते हैं कि पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहना चाहिए, उसे परमात्मा के शब्दों पर जीवित रहना चाहिए। तो ईसा मसीह ने भी ध्यान करके ही परमात्मा का साक्षात किया, प्राप्ति करी और उसके बाद आगे पैगाम दिए। और हम सुंदर साहब, जिनकी शुरुआत से धनी श्री देवचंद्र जी से हुई, हमारे धर्म की स्थापना करने वाले धनी देवचंद्र जी, सतगुरु महाराज खुद भी ध्यान में बैठते थे। हम सब सुंदर साहब जानते हैं बीतक में किस तरह से उनकी सुरता पहले योग माया तक गई, और वहां पर जब योग माया में वो भोजन आरोगने के लिए, उनको खिलाने के लिए उनका हाथ जमीन पे छुआ तो उनका ध्यान टूटा, और बाद में उन्होंने श्याम जी के मंदिर में दर्शन किए साक्षात राजी महाराज के। और बीतक में चुपहियां आती हैं कि वह निस दिन ध्यान में बैठते थे, रोज श्रवण करना और रोज ध्यान में बैठना। और उसके बाद श्री इंद्रावती जी ने तो ध्यान किया भी और ब्रह्म आत्माओं को पन्ना जी में ले जाकर सबको ध्यान में बैठाया भी। अष्टपहर की बीतक इस बात की साक्षी है कि किस तरह से ब्रह्म मुनि जो श्री जी के साथ वहां पहुंचे, वे दिन रात ध्यान करते थे। चर्चिनी और चितवनी, चर्चनी और चितवनी, इसके अलावा 11 साल और कोई लीला हुई नहीं पन्ना दरबार में। सुंदर साहब जी, हमारे हादियों ने जिन कदमों पे जो कदम चले हैं, उन्हीं पे हमने कदम रखना है। जैसे जैसे हम ध्यान अपना परिपक्व करते जाएंगे, जैसे जैसे ध्यान माने क्या है, जैसे सामने बैठा व्यक्ति, मैं उसे पूछूं आपका ध्यान कहाँ है भाई, इधर लाओ, ऐसे राज्य महाराज हमें कह रहे हैं कि मूल मिलावे में ही मेरे सन्मुख बैठे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, खेल में क्यों है, मेरी ओर लेकर आओ।
जैसे जैसे हम इस ध्यान को अपना परिपक्व करते रहेंगे, अपने आप ये संसार जो स्वप्न है वो स्वप्न लगने लगेगा। अभी तो हम लोग कहते हैं ना भाई, माया का काम तो माया से ही होता है, इसलिए माया जरूरी है। लेकिन फिर आगे चलते चलते हमने अपने जीवनी में, महाराज जी की जीवनी में देखा ना, अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, तो उसमें बात आई कि महाराज जी भंडारा चल रहा था और एक सुंदर साथ भाग कर आया, कह रहे महाराज जी भंडारा हो रहा है, 18,000 की संख्या शेरपुर आती थी और वो घी खत्म हो गया, पूरियां उतारनी है। तो महाराज जी कहते, यूं नहीं कहते, सदगुरु महाराज के दरबार में कभी कुछ नहीं खत्म होता, कुएं से जाके घी ले लो। और बड़े बुजुर्गों ने जिन्होंने देखा है वो बताते हैं, कहते हमारे सामने बाल्टी निकल रही है पानी की कुएं में से, कढ़ाई में चढ़ाई जा रही है और उसमें से पूरियां उतर रही है। और फिर भंडारा समाप्त हो गया तो जिस दुकानदार से मंगवाया था घी भी आ गया, तो कह महाराज जी घी आ गया, तो कह रहे भाई किसी का उधार नहीं रखते तो कुएं का घी लौटा दो। तो कहते बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे सामने सामने घी कुएं में डाला जा रहा है कि ले भाई अपना घी वापस ले ले। तो हर परिधि से राज्य महाराज परे हैं सुंदर साहब जी, संसार के हर बंदर, हर नियम और कानून से, लेकिन उनके साथ हमें अपना दिल देना होगा। दिल अपना दे उनका लीजिए, तब जाकर काम शुरू होगा। ये बिल्कुल सत्य है कि स्वप्न है संसार, और हम मूल मिलावे में बैठे ही इसे देख रहे हैं, लेकिन इस बात को जानेगा वही, मानेगा वही, और अनुभव में वही लाएगा जो चितवन करेगा। नहीं तो इस संसार को ही सत्य मानते रहेंगे, और ये संसार जो है ये दुख का है, फेरी है। इसमें कभी शरीर कष्ट देगा तो कभी परिवार कष्ट देगा, कभी व्यापार कष्ट देगा तो कभी अड़ोस पड़ोस कष्ट देगा। यहां पर तो कष्ट चलता ही रहना है। कहते हैं धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी अगर आंखें खोलनी है और सत्यता को जानना है संसार की, तो वो चला जाए या तो शमशान घाट या चला जाए अस्पताल, इस शरीर का सारा सत्य पता लग जाता है। तो सुंदर साहब जी आइए, हमें राज्य महाराज की मेहर से ये मौका मिला है कि हम चितवन में लगे। सुंदर साहब जी, चितवन अगर फूल है, हम सबको फूल चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हमें फूल की खुशबू चाहिए, कोमलता चाहिए, घर में सजाना है, हमें अगर फूल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? केवल फूल सोचने सोचने से तो फूल नहीं मिल जाएगा ना हमें, कि हमें फूल चाहिए फूल चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पौधा उगाना पड़ेगा, हमको मिट्टी का वो करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा, खाद का, पानी का, बीज का, हमें काम करना पड़ेगा इन पे और हमें मिलेगा फूल। जबकि मिट्टी, खाद, पानी, बीज फूल जैसा नहीं दिखता, उस जैसा सुंदरता नहीं है उसके अंदर, लेकिन इस पे काम करने से ही फूल मिलता है। अगर हम मिट्टी खोदेंगे, उसमें बीज डालेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे और धीरे धीरे ख्याल रखेंगे तो एक दिन वो फूल हमें मिल जाएगा। अब अगर फूल चितवनी है ना, तो अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा इन चीजों पे। किन किन चीजों पे? पहले वाणी मंथन, क्योंकि हम लोग रिजल्ट तो चाहते हैं, प्रोसेस में दिल नहीं लगाते। प्रोसेस में दिल लगाएंगे तो ही तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो अगर हमें फूल चाहिए तो मिट्टी, खाद और बीज और पानी के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर हमें चितवनी लगानी है, हमें राज्य से मिलना है, अक्सर सुंदर साथ ये प्रश्न पूछता है कि चितवनी करनी क्यों है, इतनी भ्रमता आ गई है संसार में, करनी क्यों है यही नहीं समझ है। एक सुहागिन जिसको पता लग गया कि उसका सुहाग उससे प्रेम करता है और केवल उससे संबंध है, बाकी सब स्वप्न है, तो अब सुहागिन अपने सुहाग से मिले बिना कर क्या रही है और करे क्या हो? उसकी प्रत्येक श्वास इसी इंतजार में निकलेगी कि कब मेरे प्रीतम मेरे दरवाजे से आए। और चितवन यही है, और उसके लिए, उनसे मिलन करने के लिए हमें तीन चार चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहले है वाणी मंथन, उसके बाद दूसरी है रहनी। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा,
रहनी में भी आना होगा, उसको लाना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। जैसे अगर हमने पढ़ा कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए दिन, जो जो गरीबी लीजे साथ में त्यो त्यो पाइए धनी का मान, पढ़ लिया और सुंदर साथ से हमने क्रोध में बात करी, आंखें दिखा के बात करी, नाराजगी ले ली किसी बात पर, उंगली दिखाई, तो क्या हमने आचरण में लाए उस चौपाई को? केवल पढ़ाई भरना कि गरीबी लीजिए साथ में, तो फिर काम अधूरा रह गया। तो माने मिट्टी तो हो गई लेकिन बीज नहीं डाला। तो पहले वाणी मंथन, फिर रहनी, उसे आचरण में लाने का प्रयास कीजिए। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, गलत हम प्रयास करेंगे तो विफल होंगे ही होंगे, लेकिन फिर प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है, क्योंकि राज्जी की नजर में प्रयास की कीमत है। अगर हमने प्रयास किया तो वो अपनी मेहर से उसमें बरकत डालेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे हमारे को आचरण में लाना आसान हो जाएगा। वाणी मंथन, फिर रहनी, ठीक है, और फिर सेवा। जिन सुध सेवा की नहीं नाकचु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। सुंदर साहब जी, तमें प्रेम सेवा से पाओगे बार। सेवा एक बहुमूल्य यंत्र है राज्य तक पहुंचने का। धनी देवचंद्र जी की जीवनी हमें सिखाती है कि उन्होंने जैसे ही जाना कि हरिदास जी के पास कुछ सौदा है, तो उन्होंने सेवा में अपने आप को झोंक दिया और कहते मैं इनसे अपनी निध लेके रहूंगा। हमने ये भी जाना कि किस तरह से श्री जी का जाना भैरव सेठ के घर हुआ ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने सेवा करी। कितनी बड़ी सेवा हो गई कि बाईजुराज को और साथ को संग फल से छुड़वाया। तो रुचि दिखाइए सेवा में, क्योंकि देखिए आलसी तो कोई भी नहीं है, हम में से कोई भी आलसी नहीं है। घर परिवार चार सदस्यों के लिए सब कुछ है हमारे पास, तन भी है, मन भी है और धन भी है, लेकिन कुताई होती है तो मंदिर और सुंदर साथ के लिए। परिवार के लिए तो उधार लेके भी कर देंगे, लेकिन सुंदर साथ को कष्ट में देख के हम लोग नहीं सहायता करते। तो सेवा तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सके सेवा में अपने आप को झोंकिए, क्योंकि ये चार चीजें जरूरी हैं उस फूल के लिए। पहले वाणी मंथन, फिर रहनी, तीसरी सेवा और फिर चितवनी, चौथी। ध्यान में तो बैठना ही है, सारी दुनिया से रिश्ता नाता तोड़कर दरवाजा बंद करके, कान और आंख बंद करके उनसे मुलाकात करनी होगी, क्योंकि सुंदर साहब जी इन कानों और आंखों का काम नहीं है राज्य के सामने। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक्सो बोल, रू कानो बातें सुन। आत्मा के ही चक्षुओं से देखा जा सकता है, आत्मा के ही श्रवणों से सुना जा सकता है। तो आंखें यहां की बंद, यहां के कान बंद, और आत्मिक उससे राज्य से मुलाकात करनी। तो इन चार चीजों पे काम कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, वाणी मंथन, रहनी, सेवा और चितवनी, इन चार चीजों पे काम कीजिए तो फूल हमें मिल जाएगा। दिल लगाइए प्रोसेस में, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस में दिल नहीं लगाते काम नहीं बनेगा, ठीक है? अब उसी के चलते, वाणी मंथन के ही चलते हम चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि ये परिक्रमा ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ का विस्तार है। हम लोगों ने रंग महल कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं क्या? हौज कौसर। हौज कौसर, सुंदर साहब जी वाणी में वर्णन है, सरकाश जी भी कहते थे कि हम कौन हैं? हौज कौसर की मछलियां हैं। मैंने एक बार पहले भी ये प्रश्न पूछा था, कोई बता सकता है ऐसा क्यों कहा गया था हौज कौसर की मछलियां हैं हम लोग? हाँ जी, हाँ जी, और कोई? क्योंकि हौज कौसर में अंडर वाटर गेम्स होती हैं। देखिए जमुना जी प्रकट कहां से होती हैं? पुखराज पहाड़ से। पुखराज पहाड़ में कहां से? मूल कुंड से। जमुना जी मूल कुंड से प्रकट हुई, ठीक है? तो इसमें से आधी तो पहले ढपी हुई है, शेडेड, वो पूरा डला हुआ है, ठीक है? आधी यहां से खुलती है फिर मरोड़ खाती है। तो नदी के तो किनार पर यहां पर घाट आए हैं, तो घाट में तो आप डुबकी लगा सकते हैं और जल क्रीड़ा कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। जब यहां से ये हौज कौसर ताल में गई, यहां पर हम अंडर वाटर गेम्स कर सकते हैं। जैसा कि हम कई बार ये बात बता चुके हैं
जैसे ही जीव तन से बाहर निकला, अब ये तो नहीं डूबता ना, इसको तो सांस नहीं लेनी होती जीव को, तो इसको तो पानी के अंदर दम नहीं घुटता ना, क्योंकि देह से बाहर आ गया, तो आत्मा तो इन सब परिधियों से परे है ना। तो यहां पर सुंदर सुंदर मछलियां हैं, सुनहरी रंग की, रंग बिरंगी रंग की, और उनपे सिंहासन आए हैं जिन पर बैठ कर हम पानी के अंदर पकड़म पकड़ाई करते हैं, गहरे पानी में पकड़म पकड़ाई की रामते होती है और नाना प्रकार की रामत होती है। हौज कौशर हमारा ताल है, और ये ताल किसी बड़े से बड़े स्टेडियम से भी बहुत विशाल है। 12,000 रूहों ने झीलना करना तो कितना विशाल होना चाहिए। एक स्टेडियम में तो 1,00,000 ही आदमी आ पाता है, यहां 12,000 आत्माओं ने झीलना करना एक बहुत बड़े स्टेडियम जैसा है। और ये कौन से हीरे का बना है? सफेद हीरे का बना है। सोचिए यहां की शोभा, सफेद हीरे का हौज कौशर नीचे चमक रहा है, और यहां आते कब है हम? चतुर्दशी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ऑलमोस्ट फुल मून है, तो चंद्रमा की चटक चांदनी नीचे पड़ रही है और नीचे से ये चमक रहा है, तो नीचे भी चंद्रमा की प्रकाश और ऊपर से भी चंद्रमा का प्रकाश। और ऐसे में हम जाते हैं हौज कौशर में। सरकार श्री की चर्चा अभी इस बार हमारे चैनल पर अपलोड हुई है, परम नाम दर्शन पे, किसी ने सुनी है? 25 पक्षों के सुख, उसमें सरकार श्री कह रहे हैं जानो हर एक पक्ष को और वहां पे क्या सुख है। कहते झूला झूलने तो कहां जाओ, माणिक पहाड़ पर जाओ। कहते पूरे परम धाम में झूले लेकिन सुख कहां है? माणिक पहाड़ में या ताड़वन में या बट पीपल की चौकिया में। झूला झूलने के सुख यहां पर मुख्य है। कहते किसी ने कहा मुझे फूलबाग में भी झूले आए हैं, तो कह रहे इसमें इलम घुस गया है। फूलबाग में फूलों का सुख लोगे कि झूलों का सुख लोगे? कह रहे हर एक स्थान के पक्ष को जानो, वहां के सुखों को जानो। सरकार साहब बड़े ही प्रेम से इस बात को समझा रहे हैं, वो चर्चा जरूर एक बार आप लोग सब देखिएगा। तो हौज कौशर का सुख क्या है कि चटक चांदनी में हम वहां जाते हैं जिसमें नीचे भी चंद्रमा कटा हुआ है और ऊपर से भी छाया पड़ रही है चंद्रमा की। और सुनसा जी दूसरी शोभा देखिए, ये हौज कौशर चारों तरफ कुंज निकुंज के फूलों से घिरा हुआ है। ये सारे वन किसके हैं? कुंज निकुंज के फूलों के। सारा ये जो कुंज निकुंज के मोहलात आए हैं, महल आए हैं, इनमें दीवार फूलों की, जमीन फूलों के, थंब फूलों की, छत फूलों की, सिज्जाएं फूलों की, सिंगार और वस्त्र फूलों का, तो चारों तरफ अनंत फूल खिले हुए हैं अलग अलग रंगों के। और जैसे ही रात्रि होती है तो बल्ब की तरह टिमटिमाते हैं सारे फूल, और वहां पर आई तितलियों के रंग भी यहां टिमटिमाते हैं। और चारों तरफ अनंत फूलों से घिरा हुआ ये ताल, इसकी शोभा सोचिए। जब सुखपालों में बैठकर हम जाते हैं तो जाते जाते हैं, जाते जाते हैं सारे फूलों के ऊपर से होते 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 हम यहाँ हौज कौशर तक पहुंचते हैं। तो जिस ताल में हम जब झीलना करते हैं, स्नान करते हैं, तो चारों तरफ फूलों की खुशबू से ही हम लोग नहा जाते हैं, जल में नहाने से पहले। अब हौज कौशर ये पुखराज पहाड़ में से जमुना जी चली, तो चलने के साथ साथ चार चार रौ से दाएं बाएं चलती है। किसी को याद है कौन कौन सी? इधर से बहनों में कोई बताएगा? इधर से पीछे से बहनों में कोई बताएगा? उनको भी बोलिए दीदी। हाँ बोलिए दीदी। हाँ 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 बहुत अच्छी। इधर से भाइयों में कोई बोल सकता है? बहुत अच्छी। एक आगे कीजिए। ये सुंदर साज जी चार रौसे हैं। सबसे पहले जलरौस, क्योंकि जल के समीप जो रौस रास्ता होगा उसे जलरौस कहते हैं हमेशा पूरे परम धाम में। ये जलरौस जल के बराबर है, ऊपर है या नीचे है? बराबर है, इसलिए यहाँ पर जल आ भी सकता है। ठीक है, जलरौस। उसके बाद क्या आएगी? पाल। पाल कितनी ऊंची होगी? कमर भर ऊंची होगी जलरौस से। उसके बाद क्या आई? वनरौस। क्यों है ये? इसका नाम वनरौस क्यों है? क्योंकि ये वन के समीप है। जल के समीप जलरौस, वन के समीप वनरौस, और फिर ये आई पुखराजी रौस। पुखराज के साथ वहां से निकलती है पुखराजी रौस और हौज कौशर तक घूम कर आएगी।
ये चार रहस्य जमुना जी की सुंदरता को बढ़ाते हुए साथ साथ चलेगी, एक आगे करेगा। और देखिए यहां से जमुना जी ने मरोड़ खाया और हौज कौशल में समा गई। और परमहंसों ने बड़ा मीठा वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि इन रौसों ने गलबैया डाल दी है हौज कौशल को, जैसा उनका विजन है वैसा वो वर्णन करते हैं मीठा कि इन रौसों ने ऐसे लगता है जैसे गलबैया डाली। एक आगे कीजिएगा, ये देखिए अब चार रौसों में से एक रौस यहां पर समाप्त हो जाएगी। कौन सी? जल रौस। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? जल रौस यहां क्यों समाप्त हो जाती है? जहां से हौज कौशल में समा गया जल, तो जहां जल नहीं वहां जल रौस नहीं, तो जैसे ही जल यहां पे से समा गया वैसे ही जल रौस यहां समाप्त हो गई। अब जैसे ही अंदर ताल में जल दिख रहा है उसके, तो चारों तरफ कौन सी आ जाएगी? जल रौस फिर से आ जाएगी। यहां पर देखिए ब्राउन ब्राउन दिख रहा है आपको, यहां फिर जल रौस आ गई अंदर, क्योंकि जल के समीप रहना है ना जल रौस को। तो अब तीन रौसे रह गई। जल रौस के बाद क्या थी? पाल। अब ये पाल घेर कर आई है, ये देखिए पीला पीला दिख रही है येलो लाइन। अब यहां पर पाल का नाम बदल कर क्या हो गया है? ढलकती पाल, हल्की तिरछी, हल्की तिरछी, ठीक है, ढलकती पाल। अब यहां तीन पाले हैं, कोई बता सकता है इधर से बहनों में कौन कौन से तीन नाम है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस अगर ये तीन पाल का नाम हमें याद हो गया ना, हौज कौशल बहुत सरल हो जाएगा। भाइयों में से कोई बताएगा तीन कौन कौन सी पाले हैं? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ढलकती पाल पर क्या वृक्ष आए? आए हैं। कितनी हारे आई हैं? दो हारे। सुंदर साहब जी, पांच का कॉम्बिनेशन बड़े वन के वृक्षों की चल रही थी, हमारे याद है पालों पर भी चल रहा था। यहाँ पांच हार आएंगी बड़ो वन की, जिसमें से दो आएंगी ढलकती पाल पर और तीन आएंगी ऊपर चौरस पाल पर, ठीक है, इतना याद रहेगा। और इनकी कितनी ऊंचाई होगी? पांच गुण। इसका एक रीजन है सुंदर साहब जी, एक पीछे कर लो, एक और पीछे करो, और पीछे करो। हौज कौशल को घेर कर आए बड़ो वन के वृक्ष पांच भूम के हैं, यहां पर भी जो पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष पांच भूम के हैं, यहां पर भी जितने बड़ो वन दिख रहे हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ, ये ज्यादातर बड़ो वन है, ये भी पांच ही भूम का है। इसका कारण जानते हैं क्यों? कोई बता सकता है क्यों ही पांच भूम है? क्योंकि ये जो जवेरों के महल दिख रहे हैं सुंदर साहब जी, इसकी जो सबसे पहली जो बेल्ट दिख रही है ना आपको, ये पांच भूम छठी चांदनी है। तो अगर वृक्ष इससे ऊंचे हो गए तो ये सारे जो महल है ना छुप जाएंगे, और परम धाम में कोई शोभा छुप नहीं सकती, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में है। तो इसीलिए पांच भूम की ही चारों तरफ शोभा आई है, ताकि ये जवेरों के जो नहरों के महल आए हैं, पहली हार जो आई है ना वो चार क्या कहते हैं, चार भूम पांचवी चांदनी है, तो वो छुपे ना, ठीक है। चार पांच भूम में वो चार भूम तो छुपेगी नहीं। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा, कोई जवाब दे सकता है इसका? एक भूम का चबूतरा है, पहले एक भूम का चबूतरा है और फिर चार भूम है, तो पांच भूम हो गया अपने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इस वजह से चारों तरफ ये चार पांच भूम है। आगे चलो, याद हो गया कि बड़ो वन के वृक्षों की कितनी भूम है? पांच भूम छठी चांदनी। बहुत अच्छे। ढलकती पाल के बाद कौन सी आएगी? नहीं नहीं, नीचे नीचे तीन रौसो कर रहे हैं अभी, वन रौस। ढलकती पाल के बाद क्या आएगी? वन रौस आएगी, क्योंकि वन आ गए ना इधर चारों तरफ कुंजनी कुंज के वन आए, देखिए तो वहां पर ही आ गई वन रौस। सुंदर साहब जी, केवल इसी दृश्य को अपनी चितवन में लीजिए, एक बार आप इस चित्र को देखिए, कितना सुंदर ये शोभा आई है। वनों से घिरा हुआ हमारा ताल, पांच भूम ऊंचे विशाल वन, फूलों से ढपे हुए, चारों तरफ पशु पक्षी चहचहा रहे अपनी अपनी मधुर भाषा में, संगीत गुनगुना रहे, और उसमें फूलों की खुशबू और उसमें झीलने का सुख। और उसमें सबसे बड़ी बात सुंदर साहब जी, जो परम धाम की प्राण वायु है धनी और उनका प्रेम, यहां पे भी किसी स्थान की महत्ता आपकी कंपनी से होती है कि आप किसके साथ हैं। धनी जो अपने हृदय में इश्क का सागर लिए है, आनंद का सागर लिए हुए, आठ सागर लिए हुए, उनके साथ इस हौज कौशल में जाइए, फिर इसका सुख है वास्तविक सुख, ठीक है। उसके बाद वन रौस के बाद आखिरी रौस कौन सी है? उखराजी रौस। एक बात याद रखिए,
पुखराज ही रोस पुखराज से ही चलती है ना, तो उसके दाएं बाएं बड़ो वन के वृक्षों की दोहारे रहेंगी रहेंगी। पुखराज से जमुना जी से लेके हौज कौशल तक यहां पर दाएं बाएं दो वृक्षों की हार चलेगी चलेगी। ठीक है, दो हार समझते हैं ना सर? ठीक है ना, हाँ, मतलब दाएं बाएं ये परमहंसों की भाषा है, जैसे गले में हम हार पहनते हैं इस तरह से हार की तरह से वृक्षों की दो लाइंस चलेंगी। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जिससे पुखराजी रोस पर छाया हो जाएगी। अब ये तीन रोसे हमें समझ में आ गई। ठीक है, यहां जल रोस समाप्त हो गई, ये समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं इस ढलकती पाल पे, एक आगे कीजिएगा सुंदर साहब जी। ढलकती पाल पे बड़ो वन के वृक्षों की दो हारे थी, उसके बाद एक पीछे करना, उसके बाद ये क्या दिख रहा है? सीढ़ियां, संक्रमणित सीढ़ियां। ये सीढ़ियां क्यों बनाई है यहां पे? सुंदर साहब जी, हौज कौसर में प्रवेश करने के लिए तीन तरफों से कोई दरवाजा नहीं आया है। एक मात्र तरीका है हौज कौसर में जाने का कि ये सीढ़ियां चढ़िए, एक मुंह ऊंचे चौरस पाल पर आइए, सीढ़ियां उतरी और फिर ताल में जाइए। ये इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। ये एक भूम ऊंची छत आई है तो सीढ़ियों से चढ़कर पहले ऊपर जाइए, नजारा देखिए, फिर सीढ़ियों से उतर कर ही आप ताल में जा सकते हैं। ये तीनों तरफ की मैंने बात बोली है, तीनों तरफ, सिर्फ पूर्व दिशा की बात मैं अभी नहीं बता रहा। पूर्व दिशा से सीधा आप प्रवेश कर सकते हैं, सिर्फ इतना दरवाजा है जहां से आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हम हौज कौशल में जाते कौन सी दिशा से हैं? पश्चिम दिशा से। हाँ, तो ये यहां से हमने आना है, यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। तो सीढ़ियां चढ़ेंगे पाल पर आए, चौरस पाल पर, और फिर नीचे उतरे और फिर ताल में जा सकते हैं। ये बात सबको समझ आ गई? ढलकती पाल से सीढ़ियां चढ़े, चौरस पाल पर आए और वहां से उतरकर नीचे जा सकते हैं। यहां पर कोई भी दरवाजा नहीं है, चारों तरफ सीढ़ियां, जैसे स्टेडियम में यूं अंदर की तरफ सीढ़ियां होती है ना, ऐसे सीढ़ियों से ही आप ऊपर चढ़कर ही हौज कौसर में जा सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक, हाँ, नहीं आई, नहीं आई, चलिए मैं फिर से प्रयास करता हूँ। हाँ, देखिए तीनों रौसे पूरी घूम कर आई है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तीनों रौसे घूम कर आई है, नहीं नहीं बाहर है, अंदर नहीं है, ये बाहर है हौज कौसर के। देखिए ना, ये बाहर है, ये देखिए बाहर है, अंदर कुछ नहीं है, ये तीनों रौसों में से कुछ भी नहीं है अंदर की तरफ, अंदर केवल जल रौस है। ठीक है, ये जमुना जी के साथ साथ आई थी ना चारों रौसे, तो ये घेर कर चली गई वहां पर, हौज कौसर को घेर के सुंदरता बढ़ा रही, अंदर नहीं है। अब अंदर जाना है तो पूर्व दिशा में तो द्वार है, लेकिन केवल यहां पर ही छोटा सा दरवाजा है, इसके अलावा कहीं से भी हौज कौसर में जाना है तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आओ और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाओ और फिर ताल में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गुलाई में, देखिए गुलाई में है, अंदर भी है, ये यहां से लेके यहां पर है। अभी अंदर की सीढ़ियां मैं बाद में बताऊंगा, पहले बाहर की समझ लीजिए। तीनों तरफ से सीढ़ियां, चौथी तरफ तो खैर जरस्ता है जाने का, बाकी तीनों तरफ से आप मान सकते हैं कि सीढ़ियां आई हैं। ये सीढ़ियां से आप चढ़े ऊपर और फिर ऊपर चौरस पाल पे आए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई, अब आगे चलो। ये देखिए, हाँ चलो आगे, ये सीढ़ियों से आप ये देखिए, ये ढलकती पाल है जिसपे बड़ो वन के वृक्षों की हार आई है, यहां से सीढ़ियां चढ़े 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 ऊपर आ गए। अब आगे चलिए, ये सीढ़ियों से चढ़े आ गए चौरस पाल में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब वृक्ष है, हाँ पांच थी ना, दो नीचे रह गई तो कितनी बच गई? तीन, तीन हारे यहां आ गई चौरस पाल में। ठीक है, इनमें ये मेहराबे पड़ी और इनमें झूले आ गए, एक आगे कीजिएगा। ठीक है, ये झूले पड़ गए, एक पीछे कीजिए। सुंदर साहब जी, अब इनकी शोभा समझिए, वृक्षों की कितनी भूम है? 500। सीढ़ियां कहाँ है? तनों के अंदर भी हैं और टहनियां भी चेतन है जो लेकर ऊपर जाएंगी, ऊपर की भूमों में आ गए। अब वाणी में ऐसा वर्णन है
कि इनकी डालियां आगे बढ़कर जल तक गई है, तो इनकी डालियों पे चढ़ते चढ़ते सीधा हौज कौसर में हम छलांग लगा सकते हैं, और इसकी एक बार ऊपर की भूमि में गए ना तो पूरी परिक्रमा भी कर सकते हैं। एक पीछे करो और पीछे करो, यहां पर पूरे वृक्ष आए ना घेर कर, तो एक बार पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी, चौथी या पांचवी या छांदनी पे भी चले गए तो पूरी हौज कौसर की परिक्रमा आप कर सकते हैं उसमें, और कहीं से भी सीधा हौज कौसर में छलांग लगा सकते हैं। आगे करो, ठीक है, और आगे चलो। तो इन वृक्षों में ये दो मेहरापे बनी और उसमें ये झूले आ गए। इतना समझ आ गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं तो अब नीचे जाना है, तो यहां पर जाने के लिए पाल को काट दिया, तो पाल को काट कर ये सीढ़ियां बना दी, तो यहां क्या नाम पड़ गया इसका पाल का? कटी पाल। सरल है, महामती जी ने जो भी नाम रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि हमें याद हो जाए, नहीं तो परम नाम की भाषा और है। आगे चलकर पाल कट गई तो पाल का नाम रख दिया कटी पाल, और ये सीढ़ियां बना दी ए शेप में। इतना समझ में आ गया सबको? नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। ये ए शेप, ये ए शेप की अगर आपको सीढ़ियां देखनी है ना, तो जब पन्ना जी जाते हैं ना महारानी जी मंदिर जाइएगा, महारानी जी मंदिर जाते हुए उल्टे हाथ पर ताल पड़ता है, उसमें देखिएगा ए शेप की सीढ़ियां मिलेंगी आपको, ठीक है, चांदा मिलेगा और दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती मिलेंगी आपको, ठीक है। एक आगे कीजिएगा, ये देखिए आप यहां से चांदे पर आए और सीढ़ियों से नीचे उतरे, जलरौस पे आए और हौज कौसर में आ गए। समझ में आई ये बात? एक बार पीछे करना, और पीछे करो, और पीछे करो, बस बस, सीढ़ियां चढ़े और आगे करो। सीढ़ियां चढ़कर कहां आए? चौरस पाल पे। आगे बढ़े कटी पाल पे, एक आगे करो और आगे करो, आ गए कटी पाल पे, चांदे पे, ठीक है। कटी पाल से सीढ़ियां, आगे चलो, आगे चलो, कटी पाल से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए हौज कौसर पे। समझ में आया रास्ता सबको? पक्का? ठीक है, एक आगे करो। ये देखो सुंदर साहब, ये परमहंसों के हाथ का बनाया हुआ नक्शा, वो डिजिटल नक्शा है, ठीक है। चौरस पाल पर आए, चांदे पर आए, सीढ़ियां उतरे, यहां से जल के अंदर, ताल के अंदर आ गए, ठीक है। एक पीछे करना। अब देखिए इसमें इतनी मेहनत की गई है बनाने वाले ने कि देखिए यहां से जल रौस पे भी चांदा है, और तीन सीढ़ियां उतरकर यहां जल चबूतरा भी दिखाने का प्रयास किया गया। जल चबूतरा याद है सबको क्या होता है? एक चबूतरा जो जल में डूबा हुआ है कमर भर तक, ताकि आप उस पे खड़े हो सकते हैं और जल क्रीड़ा कर सकते हैं, डुबकी लगाना है, जल उछालना है, बालाजी के साथ जो जो रामते करनी है जल चबूतरे पे कर सकते हैं। यहां के बाद फिर सीढ़ियां उतरेंगी नीचे तरहटी में जाने के लिए। हौज कौसर कितनी गहरी है? कितनी गहरी है? एक भूम। तो ये सीढ़ियां एक भूम नीचे उतरेंगी तरहटी में जाने के लिए। नीचे अंधेरा होगा? नहीं होगा। क्या होगा? चांदनी होगी। और क्या होगा? नगों की नकाशकारी, ठीक है, यहां नगों की नकाशकारी होगी सारा, और वो बल्ब की तरह टिमटिमा रहे होंगे, पूरा यहां नीचे रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, चित्र ही चित्र, सुंदरता ही सुंदरता, खुशबू, चेतनता, सारा सुख होगा इस जल के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? अब एक और चीज समझिए, एक आगे करना। जब हम यहां से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, ठीक है सुंदर साहब जी, तो अब ये छत पड़ी थी, इस छत के नीचे रूम्स आए, मंदिर आए, ठीक है, तो वहां जाने के लिए उस तरफ तो सीढ़ियां ही थी, वहां से तो जा नहीं सकते थे, उन मंदिरों में जाने के लिए यहां से दो दरवाजे आए हैं, देख रहे हैं, इसे कहा गया बड़ा दरवाजा जो सीढ़ी के ठीक नीचे है, ठीक है, और इसे कहा गया छोटा दरवाजा। इतनी बात समझ आई? एक पीछे करना, ये कलर में भी दे सकते हैं, सीढ़ियों से जब नीचे उतरे तो ये छोटा दरवाजा और इसके नीचे से बड़ा दरवाजा नीचे मंदिरों में जाने के लिए। अब मंदिरों की शोभा कैसे आई है वो देखते हैं। आगे करिएगा, एक और आगे करिए, ये देखिए सुंदर साहब जी, ये संक्रमणी सीढ़ियां हैं, चढ़कर आ गए हम चौरस पाल पे, ठीक है। अब ये चित्र आपको चौरस पाल की नीचे की शोभा दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया,
ठीक है, यहां से छत काट दी गई है ताकि आपको दिखे कि इस पाल के नीचे मंदिरों की दो हारे आई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर भूम भर ऊंची छत है तो नीचे कुछ होगा ही होगा ना, तो नीचे क्या है, मंदिरों की दो हारे आई हैं और थंबों की दो हारे आई हैं। एक और आगे करिएगा, ये देखिए, ये मंदिरों की दो हारे और थंबों की दो हारे आई हैं और इसके ऊपर पूरी छत डल गई है जिसे चौरस पाल कहते हैं। ये चौरस पाल के नीचे, पीछे करना और पीछे करो, मैं जब तक हाथ करता रहूं करते रहो और करो बस। ये चौरस पाल थी ना, यहां से सीढ़ियां चढ़े थे, यहां से आगे गए, कटीपाल से नीचे उतरे, तो एक भूम ऊंची छत है तो नीचे कुछ होना चाहिए ना इसके, तो नीचे क्या है, एक मंदिरों की हार यहां है, एक मंदिरों की हार यहां है और बीच में दो थंबों की हार आई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई इसको, ठीक है, चलिए आगे चलिए और आगे। अब इन मंदिरों में हम करते क्या है, सिंगार करते, बहुत अच्छे सुंदर साहब जी, यहां झीलना किया, झीलना करने के बाद यहां से दरवाजों से अंदर आए और इन मंदिरों में झील सिंगार किया, सज्जाए हैं, सिंहासन है, हिंडोले आए हैं, देखिए यहां पर हिंडोलों में झूलने का सुख है। हौज कौसर में जब हम जाते हैं कितने पहर रहते हैं यहाँ पे, दो पहर रहेंगे, छह घंटे यहाँ रहेंगे, झीलना करेंगे, भोजन भी नहीं, हाँ जी, तीन से छह से नौ, हाँ 3 बजे आ गए और 9 बजे सुखपालों में बैठकर जाएंगे। सुखपाल हमें यहाँ छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं, बाद में जब लेने होता है तो वापस आते हैं लेने के लिए। तो 3 से 9 बजे तक यहाँ हमने सुख लेना है, भोजन की भी लीला होनी है, नृत्य की भी लीला होनी है, यहाँ झीलना करके। अब ये मेरा दिल है, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा दिल नहीं, ये धामधनी का दिल है कि हम यहां एक बार जाएं, एक बार आंखें बंद करें और इन कक्षों में जाएं और बैठे धनी के साथ झूला झूले, झीलना करके। अभी क्या सर्दियों में तो महसूस करने में थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन अगर यहां सर्दी गर्म में है, यहां ये सब शरीर ऐसे है, वहां का सोचिए आप, झीलने का सुख लिया, झीलने के बाद आए और यहाँ पे झूलों में झूले और उसके बाद यहाँ कक्षों में विश्राम किया, बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करी, क्या मीठे सुख है। ठीक है, आगे चलिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट किसी ने समझना है, अगर इसे पकड़ लिया ना तो सारा पकड़ में आ जाता है, लेकिन ये मुश्किल है, रहने देता हूं मैं, आगे चलिए। सुंदर साहब जी, हमने समझ लिया कि यहां से सीढ़ियां चढ़े, चौरस पाल पे आए, अब ये पिंक पिंक नजर आ रहा है सबको, ये कटीपाल है जहां से सीढ़ियों से नीचे उतरे और हौज कौसर में आए। एक बार सारा पीछे करना, बस पीछे, एक और आगे, एक और आगे, एक आगे, आगे आगे बाबू, बस। अब यहां से हम चांदे से नीचे आए तो यहां पर किनार पे मछलियां हमारा इंतजार कर रही है। किसी ने डॉल्फिन्स देखी है, कहते हैं मछलियों में केवल डॉल्फिन्स हैं जो मनुष्य की मित्र होती हैं। कहानियों में बताया जाता है कि कई मछुआरे या समुद्री व्यापारी जो है जो डूबे कभी समंदर में, तो डॉल्फिन्स उन्हें पकड़कर किनारे तक छोड़कर आई। कभी उनकी रामते देखी है आपने, डॉल्फिन्स के शोज होते हैं, कभी आप देखिए, वो अपनी टेल पकड़ा देती है आपको और आप उसे पकड़कर किनारे पर जा सकते हो, आप उसके ऊपर बैठोगे तो छलांगे भी मारेंगी। मेरे पास एक वीडियो है, मैं अगली बार आपको दिखा दूंगा वो वाला, कि किस तरह से अपनी पीठ पर बैठाकर डॉल्फिन्स छलांगे मारती हैं और घुमाती है यहाँ काल माया में। मैं इधर ही दिखा दूंगा सबको, काल माया के ब्रह्मांड में ये है, तो सोचिए परमधाम में यहाँ जो मछलियां सिंहासन लेकर इंतजार कर रही है, हवा में पलटी मारेंगी, पानी में जाएंगी और अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगी कि मुझ पर आकर बैठो, मुझ पर आकर बैठो। हम यहाँ आते हैं, उन मछलियों पर बैठते हैं, सुंदर कश्तियां हैं, वरना खुद यहाँ डुबकी लगाते हैं, ये जल रौस आई है, यहाँ पर बालाजी के साथ आप बैठ जाइए, सोचिए यहाँ पांव लटका के बालाजी बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, सखियां बैठी हैं और हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं धनी के साथ। अलग अलग रामते हैं, इन रामतों को समझने के लिए परिक्रमा ग्रंथ और आखिरी के 2-3 प्रकरण है, छोटी और बड़ी रामत, उन्हें पढ़िए आप, यहाँ के सुख क्या है आपको पता लगेगा। वहां पे परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन है कि कोई सखी छड़ी फिरा रही है, कोई सखी वनों पर चढ़ रही है, कोई सखी वनों से कूदकर गुलाटी मार रही है,
कोई सखी नृत्य करके ही जा रही है यहाँ पर बालाजी को, और कोई सखी कहती है कि परम आनंद तो बालाजी को निहारने में ही है। तो वो कुछ नहीं करती है, धनी सबसे बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको निहार रही है। ए सुख शब्दातीत के क्यों करा, कैसे बताओ कैसे शब्द। महामती जी कहती है शब्द नहीं है, ये तो सिर्फ अनुभव की चीजें हैं जो हम यहाँ पर हौज कौसर में सुख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे हम आगे चलिए। हाँ जी, कटीपाल की जो सीढ़ियां ये पूरे राउंड में, बिल्कुल राउंड में सारे दरवाजे, हाँ पीछे करना है। ठीक है, और पीछे करो, और पीछे करो, और पीछे करो। ये देखिए, ये पिंक पिंक नजर आ रहा है, कहीं से भी उतर सकते हैं ना। एक तरफ से बना देंगे तो पूरा घूम के आना पड़ेगा, स्टेडियम जितना बड़ा हौज कौसर है, इसलिए चारों तरफ से ये सीढ़ियां उतर रही हैं। जब बनाया ही एक्सेस ऐसे है कि ऊपर चढ़कर आ गए, छत पर आ गए तो नीचे उतरने के लिए चारों तरफ ये सीढ़ियां आई हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, निकालो निकालो, और आगे करो, और आगे कीजिए, और आगे कीजिए। मंदिरों की शोभा हो गई, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आज इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।